सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये है कुची टनल। सो गाइस वहाँ से आने के बाद यहाँ पे पहला एक पॉइंट दिखता है जो कि है शूटिंग रेंज। तो यहाँ से अंदर है शूटिंग रेंज। सो गाइस ये सबसे बड़ा टनल है जो कि हम देखने वाले हैं। तो गाइज हम ना जैसे कि टेंपल से राइट मारते हुए आगे आए थे, तो हमें राइट नहीं लेना है, हमें ना एक और लोकेशन मिली है जो लोकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह लोकेशन है, मैं आपको ये लोकेशन मैप पिन कर दूँगा, जो कि यहाँ से ना मुझे 1.9 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट लेना है, उस लेफ्ट के अंदर जाना है, वहाँ पर वो कुची टनल है। तो ये लोकेशन है ना मैप में रॉन्ग दिखा रही है, तो आपके लिए एक अपडेट होगा मेरे तरफ से कि आप है ना कुची टनल जा रहे हो, तो कुची टनल जाने के लिए आपको मैं एक लोकेशन दूंगा, उस लोकेशन पे जाना। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैप लिंक मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर आप इस टेंपल के यहाँ पे आओगे तो टेंपल के यहाँ पे नहीं जाना है, टेंपल से आपको बाहर आना है और फिर से टूवर्ड्स बाहर जो एग्जिट है वहाँ पर जाना है। तो गाइस ये जो मेन रोड है यहाँ से हमने लिया था राइट, पर अभी हमें ऐसे ही लेना है लेफ्ट। तो लेफ्ट लेके जाना है सीधा, और सीधा जाके फिर 1.8 किलोमीटर के बाद लेना है लेफ्ट। ये लेफ्ट लेके हम अंदर जाएंगे कुची टनल, और यहाँ से कुछ 180 मीटर है। देखिए ये एंट्री पॉइंट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पार करना पड़ेगा या फिर आगे जाना पड़ेगा। 180 मीटर है, 110 मीटर है। हाँ अभी हम एकदम राइट प्लेस पे पहुँचे हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये है कुची टनल, और यहाँ का जो पार्किंग है ये सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे पार्किंग एरिया है जहाँ पे ना आपको 6000 डोंग पे करनी होगी अगर बाइक से आ रहे हो, तो कार का पता नहीं है। तो यहाँ पे ये सब एक्टिविटी होती भी है, शूटिंग रेंज भी है प्लस बोटिंग है और ये सब है। तो हम तो इसमें से कुछ टनल को ही देखने वाले, बाकी तो कुछ करने वाले नहीं है, जल्दी निकलना भी है। और पूरा एरिया ना आप देख सकते हो, पूरा एरिया अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है, फ्लावर्स पेड़ अच्छी जो जगह पे चाहिए वो जगह पे सब रखा है। यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियों की पार्किंग है और यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 1,10,000 है अगर बाइक कार से आओगे तो, और 1,20,000 है, 1,25,000 है अगर आप बाइक से आओगे तो। तो ये पता नहीं, ये इंडिया के बाहर ही मैंने अभी तक देखा है, और आई थिंक इधर जितने भी हम लोगों ने प्लेसेस घूमे हर जगह पे कोई ऐसा रेट नहीं था। मोस्टली तो हमने टूर से किया तो हमको पता नहीं चला इसके लिए, वो भी हो सकता है। पर यहाँ से आई थिंक हमें जाना है, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे जाना है। तो ये सीधा रोड जाता है, और तो यही रोड पकड़ के हमें जाना है। और मतलब पूरा सूख तो गया है पर इन्होंने मेंटेन भी रखा है इस जगह को काफ़ी, और वहाँ पे एक लेक है सामने। फाइनली हम जो जहाँ से एंट्री किए थे उसी रोड से सीधा अंदर आए, और वही रोड पकड़ के आपको अंदर आना है। कहीं पे कुछ आजू बाजू में देख लो, और यहाँ से अंदर आके ये पता नहीं क्या है, ये भी एक अच्छी जगह है देखने के लिए, और यहाँ पे भी है यहाँ पे खेलने के लिए। अच्छा जीप लेन है, ओके नाइस। तो यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे हम,
तो गाइस एंट्री करने के बाद ये देखो, यहाँ से अपना कोल्ड ड्रिंक पेप्सी वेप्सी ले सकते हो। और ये रहा अंदर जाने का रास्ता, जो कि काफ़ी सुंदर और ठंडा लग रहा है अभी, मतलब गर्मी नहीं लग रही है बेसिकली। और यहाँ पे ना हमने नोटिस किया है कि बाइक भी जा सकती है, ठीक है, बाइक और कार जा सकती है, पर यहाँ तक कार अलाउड है और मेन गेट तक बाइक अलाउड है। पता नहीं क्या है, वही तो, बाइक ज़्यादा जगह लेता है कि कार ज़्यादा जगह लेती है। यहाँ के लोगों की वजह से होता रहेगा कि ये लोग ने फिर वैसा किया रहेगा कि बाइकर्स के लिए बाहर से एंट्री और कार के लिए अंदर से एंट्री। सो गाइस वहाँ से आने के बाद यहाँ पे पहला एक पॉइंट दिखता है जो कि है शूटिंग रेंज। तो यहाँ से अंदर है शूटिंग रेंज और सीधा जाना हमें टनल के यहाँ पे। देखिए यहाँ का ट्रेडिशनल जो होता है उस तरह इसको हैंग करके रख दिया है यहाँ पे। और सामने होता है शूटिंग रेंज, जहाँ पे आप जाके बंदूक लेके फायर कर सकते हो, जहाँ से जो लोग चलते हैं उसके ऊपर निशान लगा के। तो अभी तो कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग सेफ चल रहे हैं। जोक पार्ट, अंदर से फायरिंग कर सकते हैं, अंदर भी थोड़ा अंदर जाना पड़ता है तभी वो फायरिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, सो गाइस सामने देखिए, उस टाइम वॉर में जो यूज़ हुआ था तो गोला छोड़ने की मशीन और हेलीकॉप्टर प्लस एरोप्लेन, जो फाइटर प्लेन होते हैं, तो कुछ इस तरह थे उस टाइम के। अभी ये बहुत, मतलब बहुत पुराना है स्ट्रक्चर, पर देखिए पूरा लोहे का है। ये है पैटर्न टैंक, M48 पैटर्न टैंक है ये, जिसके अंदर आप देख सकते हो, वाओ काफ़ी पुराना है। और कैसे इसको रखा है, देखो सड़ गया ये नीचे से पूरा। और पीछे भी एक है, पीछे भी एक टैंक है, ये देखिए एक टैंक है। और ये है प्लेन, जो कि देखिए कैसा दिख रहा है यहाँ पे अभी। और ये है एयरक्राफ्ट C-130 नंबर 005। तो ये एयरक्राफ्ट है, मतलब ये सब है ना उस वॉर में जो बचे हुए पार्ट है वो रखे। सबसे बड़ा तो यही लग रहा है, बाप रे। ये देखिए हेलीकॉप्टर कैसा, कितना बड़ा बनना था इसका उस टाइम। ये वॉर मेमोरियल टाइप का ये जो कि आप अभी देख रहे हो, फिर देख सकते हो यहाँ पे ना जो वॉर में यूज़ हुई गन है वो आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे हर एक टाइप की गन आपको देखने मिलेगी, देख सकते हो। और ये देखिए दिया, फिर उस ज़माने का सूटकेस, फिर ये टैंक और खाना बनने का औजार, और ये सब गन है देख सकते हो। ये ट्रांसमीटर देख सकते हो उस ज़माने का। और यहाँ पे हर एक जगह पे ना वो स्क्रीन लगा के रखी है कि वो क्या क्या है करके। देखिए यहाँ तक गाड़ी आती है, सोचो हम यहाँ तक आ सकते थे बाइक लेके। तो गाइस जो बुलेट पॉइंट है वहाँ से, मतलब जो गन वाला सेक्शन है वहाँ से हम लोग अंदर आए। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, एंट्री से आपको ना राइट लेना है जो कि स्ट्रेट है यहाँ पे। यहाँ से हमें जाना है सीधा, और आगे हमें गाइड भी मिलेंगे जो कि अब हमें आगे लेके जा सकते हैं। सो देखिए रूल्स भी यहाँ पे, फॉर विजिटिंग चूची टनल ये पॉज करके पढ़ लेना, हमने तो पढ़ लिया। चलिए अभी हम यहाँ से अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से कुछ 40 मीटर वॉकिंग जाके उनके आदमी होंगे, जो भी उनके गार्ड है वो, है ना? यस। तो फिर चलो, यहाँ के जो पत्थर है वो थोड़ा अलग भी लग रहे, सॉरी रेती जो है वो लाइक समुंदर की जैसे, है ना? या ओके। सो यहाँ पे ये स्टैचू है जो कि इनके आर्मी के, काफी मतलब लाइवली लग रहे हैं, है ना? बहुत ही अच्छा बना है। सो यहाँ पे लिखा है कि टनल एंट्री पॉइंट, सो यहाँ से हमें लेनी है टनल के लिए एंट्री। और ये देखिए
यहाँ के मतलब आप यहाँ पे बैठ के आराम भी कर सकते हो रेस्ट टाइम। और ये रहा टनल का पॉइंट जहाँ से हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, जो कि ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। और नीचे पत्थर देखिए, इन पत्थरों के ऊपर अगर आप बारिश में आओगे तो फिसलने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि उनका शेप है ना कर्व शेप है, तो कहीं पे भी आपका पैर स्लिप हो सकता है। और बीच में ऐसे पेड़ भी है, जैसे हम हमारे सह्याद्री में ट्रैक करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी है, पर सह्याद्री में तो अलग लेवल का ट्रैक होता है, वहाँ पे तो कोई प्लेन जगह होती ही नहीं है। और यहाँ पे कोई शो होता है तो वो शो भी यहाँ पे देख सकते हैं। See like the map of Kuchi district, on the map this is Kuchi area. We're here right now. From this place to Saigon Center, it stretches to 6 villages of Kuchi district at a time. From this village, the soldiers can move around here to other villages easily through tunnels. And now to know about the tunnel structure, we come over there to the diagram. This way. In front of you now, you see like the cross section of a typical unit under the ground. Okay. Different layers. And the Kuchi tunnel system got 3 layers. The top one, 3 meters deep, including many rooms, quarters, like living spaces down the ground. Level 2, 4-6 meters deep. And the third one, 8 up to 12 meters. And in the first layer, this one like a meeting room. Dining room here as a kitchen with a unique stove for cooking. This one, like when the soldier they cook right here, the smoke it will follow the chimney system. Right here, many small chambers, like a filter. Step by step, when the smoke coming up, it's just far away from room, hundreds of meters away from room, and especially when the smoke coming up, it just like keeps staying low, and then dissipating into the atmosphere around, so it's hard to be detected by helicopters from above sky. This one like resting room, food and weapons storage, secret hatch, entry, getting out tunnels, and this one. Fighting room, a small quarter where the VC, the beacon they can hide inside, and they can see the outside through gaps. Like small spy holes. When that point getting close, you can stick the gun through the holes and shoot from there. Thousands of these ones along the tunnel system at a time. Hello. Hello, join us. Down the tunnel system, got ventilation shafts to circulate the air. A special structure here, a triangular room, it's a bomb shelter. Very strong, solid room. Not like these rooms, you see? With the flat roofs on top, so they're easy to collapse when bomb exactly on top of them. For this one, even when bomb hitting close by, all the pressure was lying the roof here. It's hard to be like collapse. Kuchi fighters also like dug water well underground to get water and to reach to the water table here, 15 meters deep. And besides, in the tunnel system, they make some like section. Really small, tiny, and Vietnamese soldiers, at that time they got a slim, skinny body, so they can warm their way through here easily. And traps in tunnels. Traps at a time, terrifying things, dear soldiers. Set lay everywhere, on the ground, in the room, and along the ways down here. And not only with the traps down here, it would be well hidden under wooden covers. So the fighters, they can move on top the traps easily. And when you need someone going down, just take all the covers off. Going down here in the darkness, your soldier could fall to traps around here accidentally. And there's some way expanding to the riverside, like emergency escape. It took 20 years for making the whole thing, 250 kilometers. And digging tunnel, it's a man of work. There's no vehicles or machinery used at a time for making tunnel, only these two things. A short handle hoe used for digging, and a bamboo basket to take your dirt out of tunnels. That's it.
That's all for my presentation. Now, do you have any questions to ask me before leaving this room? सो गाइस यहाँ पे एक अच्छा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी आपको अच्छे से जो भी इंक्वायरी जानकारी है वो लोग देते हैं और वो अभी हमें फर्स्ट टनल के पास लेके जा रहे हैं. सो गुड, आप यहाँ पे अकेले भी ट्रैवल कर सकते हो. हाँ, मतलब कोई आपको ना टूर पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है. आपके साथ गाइड यहाँ के ही रहेंगे तो आपको आपका मतलब बोलते हैं ना पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा इन्फॉर्मेटिव आपका ये जो टूर हो जाएगा. और प्लस ये जैसे उन्होंने बोला कि ये टोटल 250 किलोमीटर का टनल का सेक्शन है तो वो बनाने के लिए उनको 10 साल लगा. तो सोचिए मतलब 10 साल में इन्होंने 250 किलोमीटर का टनल बनाया. इट्स डाउन चार हियर नाउ ओवर देयर सी द हाउस ओवर देयर दैट्स द एक्सिट. व्हेन यू गेट इनटू द टनल यू नीड टू बेंड फॉरवर्ड. इट्स स्मॉल ओवर 1 मीटर हाई ओनली एंड दिस इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इट्स अबाउट योर हेल्थ. If you got any problems like asthma, high low blood pressure, you shouldn't go down here for your safety. And one-way traffic, when you're already down there, just keep going straight on. Cannot go back up the same way. Right? Follow me? Okay? So guys, abhi hum yahan se tunnel ke andar ja rahe, jo ki 100 मीटर बोला पता नहीं कितना ये 100 मीटर रेस होता है 50 मीटर भी रेस होता है. अंदर से 100 मीटर है, सामने से ये 20-30 मीटर लग रहा है. यहाँ से जाना है और सामने वहीं पे बाहर निकलने वाले. सो तू जा मेरी बाड़ी है ना, मेरी बाड़ी बाटी हाँ मैं तू तेरे कैमरा को धूल लफड़े. सो देखिए टनल में जाने के लिए कुछ इस तरह रोड है. रोड नहीं सीढ़ियाँ हैं. सो गाइस यहाँ पे अंदर आने के बाद यहाँ से आप देख सको ये यहाँ पे पानी निकलने का ऑप्शन है जो कि अभी भी दिख रहा है देख सको. और यहाँ से अंदर जाएंगे तो पूरा झुक के जाना पड़ेगा. फिर यहाँ से हम अंदर आए, यहाँ पे पानी का ऑप्शन है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे सीधा झुक के जाना पड़ेगा जो काफ़ी जैसा है. पानी हलू हलू बोला. सो यहाँ पे जिसका लो ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, उनको अंदर आने की एंट्री नहीं है. सर 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 तो उनको अंदर आने की मतलब उनके रिस्क पे आ सकते हैं ऐसा इन्होंने हमें बोला है. और देखिए यहाँ पे भी है पर यहाँ पे जा नहीं सकते. फिर से हम बाहर जाएंगे यहाँ से. देखिए वहाँ से अंदर गए और यहाँ से बाहर आ गए. अच्छा था ना? हाँ, काफ़ी अच्छा था और थक गए हम. ओके यहाँ पे जो होल दिख रहा है वहाँ से ब्रीदिंग का ऑप्शन है जो कि बहुत छोटा है. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो होल दिख रहा है आपको ये सामने ये होल है. इस होल से जो टनल के लोग हैं वो मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होता था. देखिए कितना छोटा सा होल है. उस होल के पीछे बड़े से बाम्बू से जो कि पूरे अंदर ऐसे एक लाइन से नीचे गए तो उस बाम्बू के थ्रू एयर पास होता था, ऑक्सीजन लेते थे वो लोग. तो ये यहाँ का कुछ पॉइंट है. This is the way down. So guys, देख सकते हो ये जो है सेक्शन यहाँ पे अंदर से शूटर्स यहाँ पे रहते थे, यहाँ से शूट करते थे और वहाँ पे जाने की जर्नी यहाँ पे यहाँ से अंदर जा सकते हैं. And the tunnels down here, the tunnel down here just like the other, like the first one, you need to bend forward. Okay. And this section, 10 meters, down here to the room and up over there. Okay, let's start with you. I'm not gonna. Come, you're handsome. You go first. Oh, God. Take your head up. Give it to her. Miss,
come to this side and take get him picture. तो देखिए यहाँ से अंदर जा सकते हैं। Hold the cover up above your head. Keep your arms straight up. Slowly step inside there, step down. Right. Go through it. You must be fast if you want to escape from her. देखिए बंदा गायब हो गया यहाँ पे, यहाँ से अभी बंदा गए और आएंगे यहाँ से तो दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से बाहर आएंगे। This is the exit. ओके तो ये एग्जिट है, देख सकते हो। हेलो तो ये एग्जिट है यहाँ से। आई तो आना Oh my god! Oh my god! You're lost. This wasn't in the brochure, was it? No, we signed up for guinea pig. Yep. Safe guys, if you want to go have a go. तो बंदा बाहर आ चुका है और अभी ये जा रही है। Looks like though. Like this. Yeah. Oh gosh. Be careful. You're dead. So यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे एक रूम है, उस रूम के रूम में से भी रास्ता गया है वहाँ पे, तो वहाँ से बाहर आएंगे। देख सकते हो यहाँ से बाहर आएंगे अभी वो। I'm just trying to disappear from here. Yeah, yeah, yeah. My God, no. I'm too fat. I'm too fat for that. No, definitely. No, no, it's enough. Just try to disappear. Oh my God. Your arms straight up. No. Jump. No. No, I will not be able to come. Okay. Come out. All the best. गुस्से ना समर बाय। सो गाइस अंदर में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से आ सकते हैं। सो गाइस यहाँ से आ सकते हो आप और यहाँ से भी आगे जा सकते हैं। यहाँ पे एक रास्ता है शूटिंग के लिए, यहाँ से आप शूट कर सकते हो। तो देखिए ये वाला जो रास्ता है यहाँ से आप शूट कर सकते हो। देखिए जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था वो रास्ता ये है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो चलिए अभी जाते हैं यहाँ से अंदर। यहाँ से होगा एग्जिट। तो गाइस अभी नीलम जा रही है अंदर टनल के अंदर। तो गाइस अभी हम इस टनल के अंदर जा रहे हैं जो कि 5 मीटर है और बड़ा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे लाइट्स भी है तो आपके लिए मैंने लाइट चालू की है। यहाँ पे भी एक रास्ता है और यहाँ से स्ट्रेट जा सकते हैं। दिस इज ऑपरेशन थिएटर। कैसी है कंडीशन डॉक्टर नर्स? तो कुछ नहीं बोल रहे। तो ये मेडिकल रूम है और ये पहले पूरा ना पैक हुआ करता था, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन है फॉर टूरिस्ट ओनली। डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द वे हैव टू कैरी द विंडो।
सो गाइस ये सबसे बड़ा टनल है जो कि हम देखने वाले हैं। ये 15 मीटर का मीटिंग रूम वाला टनल है, वही 15 मीटर 15। ये तो खाली खाली वाकु दे धोखा लागेल की तो यहाँ पे सब मीटिंग होती थी, देख सकते हो। हम ट्राई कर रहे हैं अभी, देख सकते हो। सो ये वाले पैच में हमें ना पूरा रेंगते हुए आना पड़ा। बैक पेन बढ़ना चालू हो गया अभी। आज कुछ तूफान कर दिया हमने लाइफ में पहली बार। Yes. So guys, अभी हमने जो टनल किया ना, उस टनल के अंदर ना मतलब लिटरली एक जगह एक दो जगह पे ना हमें ऐसा स्टीफ था और ऊपर से हाइट भी कम थी, तो ऐसा पेट बैठ के या फिर रेंगते हुए आना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन था। और यहाँ पे भी टनल है। तो गाइस ये है होममेड पेपर गैलरी जो कि यहाँ पे रखी है फोटोज़ में और यहाँ पे दिखाई गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक जाके। तो ये है फिश ट्रैप। एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके हमने देखा कि यहाँ की युद्ध नीति, पर अगर आपने इंडिया में आके महाराष्ट्र में आके छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी अगर युद्ध नीति देखी, तो आप ना आप पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड के जो लीडर हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनको उनका आदर्श रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो उस टाइम में जो युद्ध नीति की थी ना वो बाकी किसी कभी मतलब किसी ने कभी ऐसी की नहीं है। इतने उनके पास लाइक फॉर्मेशन थे युद्ध नीति के। तो अगर आपको जानना है छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बारे में, आप गूगल पे या फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको उनके बारे में जानना है तो। सो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री करके एक गन्ने का जूस गन्ने का पीस कप्पा चलाएंगे। ओके तो गाइस फर्स्टली हमें लगा कि ये गन्ने का है, पर नहीं ये कंदमूल है जो कि स्वीट पोटैटो टाइप रहता है। तो ये यहाँ पे हम अभी खा रहे हैं, उसका शेप है सेम उसी की तरह था, मैंने आपको बोला करने का ही करके। सो गाइस ये वीडियो यहीं तक था, और
कुछ ही टनल आपने देखा होगा यहाँ पे, कितने सारे टनल से हमने हमारा बेस्ट दिया, हमने ट्राई किया कि चलो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाए, जो टनल हमने देखे वो आपको भी दिखाए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ की अभी जाने की जर्नी जो है उसमें आपको क्या ही दिखाऊंगा, अगर कुछ लगा तो उसका अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि बाइक राइड इन वियतनाम ऐसा कुछ बना सकता। तो चलिए यहाँ से भी निकल रहे हैं हम, और यहाँ का जो ड्रोन शॉट है वो ट्राई करेंगे, बाहर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकते। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं वियतनाम के नेक्स्ट सीरीज़ में जो कि अभी ऑलमोस्ट एंड होने आई है। और यहाँ से भी निकल दें, ये देखिए ये थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे फूड सर्व होता है, और ये टायर से जो चप्पल, तो ये देखिए जो तब की मिलिट्री थी जो कि टायर से चप्पल बनाती थी, ये देखिए ये टायर और ये चप्पल, और यहाँ पे बने हुए चप्पल है जो कि कुछ इस तरह है, जो कि अभी भी ये लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, आप ले सकते हो। देखिए ये पूरा टायर है, रबर का टायर है और काफ़ी कड़क टायर है। सो ये यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाई है कि क्या क्या बनता है यहाँ पे, देखिए। सो यहाँ से हो रहा है एग्ज़िट, और इस वीडियो को यही करता हूँ मैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।